सदियों की गुलामी के पश्चात आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। और आजाद क्या हुआ, हमने आजादी को लिया, छीना। किससे लिया? रूलर थे हमारे ब्रिटिश, उनसे हमने आजादी को लिया। और आज पूरा राष्ट्र अपना जो है आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। तो इस उपलक्ष में, इस सुनहरे अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, आजादी जो शब्द है ना, इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम सैकड़ों साल गुलाम रहे हैं, सैकड़ों साल गुलाम किसके किसके रहे। इस देश पर काफी ज्यादा बाहरी अतिक्रमण हुआ है। इस देश में आक्रमण के लिए यूरोप है, ग्रीक है, श्रीक है, फिर इंडिया है, अंग्रेज है, मुगल है। और सदियों हम गुलाम रहे। गुलाम रहने के पीछे हमारी एक मानसिकता भी थी। मानसिकता ये थी कि हमारा लेक ऑफ नॉलेज जो था कम था। उसके बाद हम खंडित थे, वर्णों में खंडित थे, जिसके कारण सदियों हम गुलाम रहे। 1756 के आसपास जब अंग्रेज आए तो उस समय हमारे देश की आबादी कितनी थी? 18 करोड़ आबादी थी। और मुट्ठी भर अंग्रेज आए और 200 साल राज किया। हमने उस लड़ाई में आजादी लेने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां चढ़ाई, लाखों लोग बेघर हुए, अतिम हुए, करोड़ों बर्बाद हुए इस आजादी के चक्कर में। तो आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। सबसे पहले आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, अब सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, अच्छे लोग मिले हुए, तो हम आजाद हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब आजादी हमें इस बात की चाहिए, अब हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। आज का जो सिनेरियो परिदृश्य जो है एंटरप्रेन्योरशिप का है, और तभी वो आएगी जब हम लर्न टू लीड का प्रोसेस सीखेंगे, इस लक्ष्य एकेडमी का यही पर्पस है, और आप लोग को गैदरिंग करने का भी यही पर्पस है, और मेरा खड़ा होने का यही पर्पस है कि हम अपने एरिया में, फील्ड में, क्षेत्र में ऐसा बने, ऐसा एक्सपर्टीज बने कि कोई हमें रोक ना सके। तो इस इंस्टीट्यूशन का, संस्था का एक ही पर्पस है कि आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिले, आप अपने क्षेत्र में लीड कर सको, और फाइनेंशियल चीजों से आप फ्री हो जाओ। नहीं तो जीवन भर आप काम करते करते कमर तोड़वा लो, ये हमारा संकल्प नहीं है, संस्था का भी संकल्प नहीं है। देश जिस तरह रफ्तार से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, उस रफ्तार में हमें शामिल होना है, हमें अपना योगदान देना है। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमारा लर्निंग। लर्निंग हमारा इंक्रीज होगी तभी हमारा वैल्यूज जो है बढ़ेगा। विदाउट लर्निंग यू कांट लीड, विदाउट लर्निंग यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो सो मस्ट इम्पोर्टेंट वन थिंग इज दैट कि एजुकेशन चेंज द वर्ल्ड एंड चेंज योर लाइफ एंड चेंज योर सोसाइटी एंड चेंज योर नेशन। तो you have to focus on learning. If you get good learning, then your future will be bright. आपका भविष्य ब्राइट होगा, और आपका जैसे भविष्य ब्राइट होगा, आपकी आने वाली जनरेशन, पीढ़ियों का भी भविष्य बदल जाएगा। तो आपके कंधों पर आपकी आने पीढ़ियों की जिम्मेवारी है। तो शिक्षा जरूरी है, और इस संस्था का एक ही पर्पस है। पर्पस का मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूँ। एक अच्छे मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे, उनसे पूछा गया आप कैसे मूर्तियां अच्छी अच्छी बना लेते हो, आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो विश्व में। तो उन्होंने कहा कि मूर्तियां तो ऑलरेडी पत्थर में रहते ही हैं, बस मैं जो एक्स्ट्रा पत्थर होते हैं उस पर से हटा देता हूँ, अब मूर्तियां अपने रूप में आ जाती है। तो यही इस संस्था का काम है, हम उन पत्थरों को हटा रहे हैं और आपको निखारने का कोशिश कर रहे हैं। इस संस्था का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने नॉलेज को एक्सपेंड करो, टेस्ट करो, अप्लाई करो, और जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करो। इसलिए संस्था का निर्माण किया गया है, और आप लोग को सहयोग से, आप लोग की मदद से, आप लोग की अच्छा
फील्ड में अच्छा करने से हमारी नाम होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। तो लर्निंग इज सो इम्पोर्टेंट। सो आप सभी को एक बार फिर मैं कहूंगा कि संस्था में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइए और उनकी फ्यूचर बनाइए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन हम कुछ भी करने वाले नहीं है, हमारी वैल्यू बनने वाली नहीं है। ठीक है, आप सभी ने मुझे 2 मिनट का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद।